हेलो गाइस, आज मैं आपको क्रीमी आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ। आइए उसकी रेसिपी जाने। मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने एक बड़ा कप से ये कप से मैंने दूध लिया, ये आप देख रहे हैं। और इसमें 3 बड़ी चम्मच से चीनी मैंने लिया मीठा, क्योंकि आम तो ऑलरेडी मीठा रहता है, लेकिन मुझे आइसक्रीम बनाना है तो ज्यादा मीठा चाहिए, ये मैंने ये लिया। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैं इसे दूध में घोल के इसमें डालूंगी। आप देख रहे हैं कि ये मैंने दूध देके इसे मिला लिया है, घोल अच्छे तरीके से हो गया, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसे दूध और चीनी में मिला दूंगी। अब मैंने इसमें डाल दिया और मैंने गैस जलाया नहीं था, अब मैं इसे गैस जलाऊंगी और कम से कम 5 मिनट इसे इस तरह मिला के पकाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कि दूध ये गाढ़ा हो गया है, क्रीमी के तरह ये हो रहा है, ये देखिए। इसे मैंने 5 से 7 मिनट पकाया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। ये मैंने आम ले लिया है, मीठा आम है, ताजा आम है। अब आप इसका जो है ये ऊपर वाला ये इस तरह करके छिलका जो है इसका जो ये आप निकाल लीजिए, इस तरह आप जो है सारा निकाल के और छोटा छोटा पीस करना है, इस तरह आपको छीलना है। फिर ये देखिए मैं इस तरह ये लंबे लंबे स्लाइस में काटी, फिर इसको मैंने छोटा छोटा पीस कर दिया। इस तरह का आपको सारा आम को करना है। मैंने कटा हुआ आम जार में डाल दिया है। अब ये 2 चम्मच मैंने मलाई लिया है, जो आपके घर में दूध होती है उसके ऊपर जो बैठता है मलाई, वो मैंने ले लिया है। इससे क्रीमी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी। ये मैंने डाल दिया और मैंने जो दूध गाढ़ा किया है ये इसको मैं अब जार में डालूंगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ठंडा भी हो गया है और पूरा ये जम गया है। अब मैं इसको सारे को डालूंगी। अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह ये जो है इसका बना है, पूरी तरह क्रीमी और दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको लंच बॉक्स में डालूंगी। लंच बॉक्स लिया और ये मैंने इसमें इस तरह का और इसको अच्छे तरीके से ये फ्लैट करना है, इस तरह का जैसे आप जमाते हैं उस तरह का, ये आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने पूरी अच्छे तरीके से इसको फैला दिया है स्पून की सहायता से। अब जो है मैं इसे 2 से 3 घंटे फ्रीजर में डाल दूंगी। पहले मैंने इस तरह मैं पैक कर रही हूँ और इसके ऊपर से लंच बॉक्स का जो कवर है वो मैं बंद कर दूंगी और 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रीजर से इसको निकाला और ये 3 घंटे हो गए। अब देख रहे हैं कितना यमी और अच्छा लग रहा है। अब मैंने जार लिया ये, अब इसमें जो है मैं सारा ये आइसक्रीम फिर से डालूंगी। देख लीजिए कैसा हुआ है, ये पूरी तरह जमा हुआ। अब मैं इसको स्पून की सहायता से सारा इसमें डालूंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने मिक्सी एक बार चलाया, इसको ठीक से आप चलाइए, इसको स्पून से ऊपर और नीचे मिला दीजिए कि जो नीचे का है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए। एक बार मैं फिर से इसमें मिक्सी चलाऊंगी। अब आप देख रहे हैं कि 2 बार मैंने चलाया, ये देखिए आप कितना मेरा ये जो है आइसक्रीम क्रीमी और टेस्टी दिख रहा है। अब मैं इसे फिर से जो है टिफिन में डालूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने फिर से इसको इसी बॉक्स में डाल दिया है। अब इसको मैं इस तरह कर दी और क्रीमी आइसक्रीम जो है अब थोड़ी देर में रेडी होगा। अब इसे मैं ऊपर बादाम, काजू या ड्राई फ्रूट से पूरा सजाऊंगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप सजाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा दिया है। अब आप देख रहे हैं कितना टेस्टी और यमी लग रहा है ये। फिर मैं उसी तरह जैसे उसको फ्रिज में रखी थी इस तरह करके पैक करके कवर लगा के फिर मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। अब मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, 15 मिनट पहले मैंने निकाला था, नहीं तो ये पूरा आइस हो जाता। अब मैं देखूंगी चेक करके, देखिए कितना यमी और टेस्टी,
क्रीमी आइसक्रीम बन चुका है। अब मैं इसे कप में डालूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा यमी और टेस्टी क्रीमी आइसक्रीम रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी। थैंक यू।